तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। सो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को क्लोज एनकाउंटर में हरा दिया है और साथ में टीम इंडिया की 2022 एशिया कप का जो फाइनल था, उम्मीदें थी वो भी छीन ली। और इसमें कोई अफसोस होने की बात नहीं, क्योंकि आपने खुद के एबिलिटी पे जो कर सकते थे वो करना था, आप दूसरों के भरोसे नहीं बैठ सकते हो, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये है कि मेरे को जो पर्सनली बुरा लगा आफ्टर दी मैच की बॉडी लैंग्वेज, मैंने नोटिस किया कि सारी टीम जो भी थी, श्रीलंका थी, बांग्लादेश थी, पाकिस्तान थी, अफगानिस्तान थी, सब में डेडिकेशन था, उनका बॉडी लैंग्वेज था, उनका एग्रेशन था, उनका पैशन था गेम्स के टूवर्ड, कि उनको मैच जीतना है। और इंडियन टीम में कहाँ था भाई, वो एक प्लेयर मैंने देखा, नॉट इवन अ सिंगल प्लेयर जो जीत के लिए खेल रहा हो। और सबसे बुरी बात मेरे को लगी कि कुछ भी रिजल्ट गलत होता है हंसने लग जाते हैं। पिछले 9 साल हो गए देखते हुए ना आईसीसी का नॉकआउट, यहाँ तो तुम एशिया कप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो। तुम इतनी बड़ी टीम खुद को कहते हो, तुम्हारे पास इतने बड़े मैच विनर से, तुम एशिया कप क्वालिफाई नहीं कर सके। सबसे बड़ी बात यह है, मतलब तुम्हारे पीछे जो टीम रहेगी वो देखो, मतलब कि हांगकांग, बांग्लादेश, इंडिया, अफगानिस्तान, मतलब इनसे कंपटीशन चल रहा है हमारा। और ख़ास बात है, अफगानिस्तान ने जिस तरीके से खुद का, एटलीस्ट कह सकते हैं कि उन्होंने प्रॉपर इतना जो भी कह सकते थे सब कुछ रख दिया ऑन द लाइन, 130 में उनका पसीना निकाल दिया पाकिस्तान वालों का, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। उनके पास कोई मैच, इतने बड़े प्लेयर्स नहीं थे, स्टिल उनकी एबिलिटी थी, उनका एक्यूरेसी थी, उनके बॉडी लैंग्वेज था, जो जो बैटिंग बॉलिंग में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया उन्होंने फील्डिंग में किया, उनको लगा कि जीतना है। उनके जो गुलबाज जो विकेट कीपर थे, उन्होंने एंड तक ओवर में 2 छक्के आए, पूरा गेम पाकिस्तान के हित में था, फिर भी उन्होंने सपोर्ट किया। ये बॉडी लैंग्वेज होता है अगर आपको क्रिकेट खेलना होता है। सारी टीम से ने फाइट किया, सारी टीम से ने एग्रेशन दिखाया, और अफगानिस्तान पाकिस्तान के मैच में तो बैट तक चलने वाले थे, और अपन नसीम शाह का एग्रेशन देखो तुम मैच खत्म होने के बाद, और अपन हार के बस हैंडशेक करने चल जाते हैं, बस हार गए तो हंसने लग जाते हैं, स्माइल करने लग जाते हैं। ये कोई एग्रेशन हुआ? टीम का एग्रेशन ही नहीं है, टीम का इतना चिल भी माहौल नहीं रखना था रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़ साहब, कि तुम मतलब प्लेयर्स तो सीरियस ही नहीं लगे इनको, बीसीसीआई ने वैसे ही रद्दी कर रखा है तुम्हारा, ना टीम मैनेजमेंट अच्छा चल रहा है, तो क्या करोगे तुम लोग यार। पर्सनली इतना बुरा लगा ना वो मैच देखने का, इतना बुरा इस बात का नहीं लगा इंडिया क्वालिफाई नहीं करा, इंडिया तो डिजर्व भी नहीं करता था क्वालिफाई करना, बस इस बात का लगा बॉडी लैंग्वेज तो शो करो यार। वो बेचारे इमोशन शो हुए उनका, एग्रेशन, और हार गए तो रोना आ गया उनको, और अपने वाले हंसने लग जाते हैं। अरे भाई 9 साल हो गए यार, इतनी बड़ी टीम्स हो, इतने बड़े प्लेयर्स हो, कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। तो ये तो भाई मेरे को तो इस बात का सबसे ज़्यादा दुख हुआ कि बॉडी लैंग्वेज नहीं था। आप हार जाते ठीक है, तुम रिजल्ट लाने की एबिलिटी तो रखो, तो एटलीस्ट तुम पहली हार मान ली 9वें ओवर में भी पाकिस्तान के अगेंस्ट, वहाँ 130 पे उनका पसीना निकाल के रख दिया पूरा का पूरा, बॉलर्स तक बैटिंग करने आ गए, 9 विकेट तक ले लिए तुमने 130 पे, इससे बड़ी बात क्या हो सकती, जबकि इंडिया ने 180 चेज करवा दी उनसे ही, सेम टीम से। सो ये पता चलता है कि अफगानिस्तान भी ज़्यादा बेटर हो रही है इंडिया से। सो ये गाइज मेरा पर्सनल व्यू, तो आपका जो भी पर्सनल व्यू हो प्लीज़ कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना वीडियो को।